नंदकिशोर यादव निर्विरोध बिहार विधानसभा के स्पीकर चुने गए। बीजेपी की रणनीति की यह सफलता है कि नंदकिशोर यादव का आरजेडी ने भी विरोध नहीं किया। दरअसल बीजेपी आलाकमान उत्तर भारत में यादवों की ताकत को पहचान बनाई है, इसीलिए यादव समाज को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी ने बाकायदा एक रणनीति तैयार की है। सबसे पहले बीजेपी ने मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया, मोहन यादव को बीजेपी ने बिहार भी लाया। मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने के बाद यादव समाज का बीजेपी के प्रति सोच में भी बदलाव आया है और बीजेपी के प्रति यादव समाज के युवाओं का रुझान बढ़ा है। इसी रणनीति के तहत बिहार में नित्यानंद राय और रामकृपाल यादव जैसे नेताओं को तवज्जो दी जा रही है। नित्यानंद राय तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी नेता हैं। अब बीजेपी ने इस रणनीति के तहत एक और कदम आगे बढ़ाया है, इसीलिए बीजेपी ने अपने सीनियर नेता नंदकिशोर यादव को विधानसभा का स्पीकर बनाया है और आरजेडी ने भी नंदकिशोर यादव को स्पीकर के पद के लिए स्वीकार कर लिया है। तेजस्वी यादव ने उन्हें लालू यादव की तरफ से ढेर सारी बधाई दी है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी नंदकिशोर यादव को बधाई दी। आप अध्यक्ष बने हैं भाई, आपको बधाई देता हूं, आप सबको बधाई। आप पहले भी जो अध्यक्ष थे उनका भी मैं नमन करता हूं, आप सबको बधाई। सब लोग रहे हैं, जो भी रहे हैं सब काम करते हैं, आप भी पुराने लोग हैं, इतना पहले से मंत्री रहे हैं और सब काम किए हैं, अब फिर आपको मौका मिला है यहाँ पर आने का, तो बहुत खुशी की बात है और सबको प्रसन्नता है। दोनों पक्ष के लोगों ने आपको यहाँ करके प्रस्तावित किया है, इसलिए आप सबके सहमति से हैं और आप खूब बढ़िया से काम कीजिएगा। और आप यही अनुरोध करेंगे कि सबकी बात सुनिएगा, पक्ष इधर के सत्ता पक्ष और विपक्ष सबकी बात को ध्यान से सुनिएगा और सब लोगों की बात पर ध्यान देते हुए काम करिएगा, यही मेरा अनुरोध है। और हम तो जानते ही हैं कि आप इतने सबसे अनुभवी व्यक्ति हैं कि खूब अच्छा काम करिएगा। आज आपको जो अवसर मिला है तो हमको बड़ी खुशी है, ये अवसर बहुत सत्य है और समूचे विपक्ष ने भी आपको समर्थन किया है, मैं विपक्ष का भी समर्थन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद की तरफ से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से और समस्त बिहार वासियों की तरफ से। आज अध्यक्ष के पद पर आप बैठे हैं, विराजमान हुए हैं, इसके लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं और आपको आगे हम इसी हिसाब से हम सब लोग उम्मीद करते हैं और पूरा भरोसा है कि आप निष्पक्ष होकर के नियमावली के हिसाब से सदन चलाने का काम करेंगे। और आपका तो अनुभव काफ़ी पुराना रहा है और मंत्री से लेकर के समाज की आप लोगों ने खूब आवाज़ उठाने का काम किया है, जनता की आवाज़ उठाया है, उसका निदान किया है और आपके बनने से मुझे काफ़ी प्रसन्नता हो रही है। और इसलिए सभी विपक्ष और पक्ष द्वारा आप को जो है सभी लोगों के सहयोग से आप यहाँ आज बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम आपको साथ साथ ये भी भरोसा दिलाते हैं कि बिहार का जो विपक्ष है वो भी जनता के सवाल को उठाते रहेगा और हम लोग निष्पक्ष ढंग से जनता के साथ खड़े रहेंगे और बिहार आगे बढ़े, उत्थान हो, ये हम सब लोग मिलकर के इसी दिशा में काम करें, यही हमारी अपेक्षा माननीय सदन के नेता से भी होगी और सभी मंत्रीगण जो विस्तार होगा उनसे भी होगी और सभी जितने विपक्ष के दलों के नेता हैं, यही हम कहेंगे कि ईमानदारी से जो ज़मीनी बात है, जो हकीकत है, वो सदन के सामने लाइए और पूरा भरोसा अपने स्पीकर पे, अध्यक्ष महोदय पे कीजिए कि क्योंकि पक्ष विपक्ष इनके आसन पे एक बार बैठ गए हैं तो सब बराबर है, अब कोई पार्टी नहीं है, तो सबको देख कर के ख्याल रख कर के काम आपको करना है और हम पूरा सहयोग सदन चलाने में जो मदद हो सकेगा वो हम करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको लालू जी की तरफ से भी शुभकामनाएं। बीजेपी ने इस बार पिछड़े और अति पिछड़े समाज को साधने का दांव चला है क्योंकि कुशवाहा जाति से आने वाले सम्राट चौधरी को बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। साथ ही अब सीनियर स्पीकर भी नंदकिशोर यादव को बनाकर बीजेपी ने यादव समाज को एक संदेश देने की कोशिश की है। अब वक्त ही बताएगा कि बीजेपी अपनी इस कोशिश में किस हद तक सफल होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।